इन संतों से कहना तो नहीं पड़ता था ना, नानक साहब से ये तो नहीं कहना पड़ता था कि भाई तुम चोरी चकारी मत करो, उनको ये बात मालूम ही नहीं थी, माने वो धर्मातीत लोग थे। और ऐसे लोग हमारे देश में हो गए हैं, और उन्होंने जो बता दिया है अगर उनके तरफ ज़रा से भी नज़र करें तो समझना चाहिए कि वो कोई झूठ बोलने वाले तो लोग नहीं थे। उन्होंने जो बता दिया उसे हमें क्यों न करना चाहिए। इन लोगों की बातें भी और तरह की है, मैं आपसे बताऊं, ये जाति पाति को लेने वाले जो लोग हैं, खास करके सारी ही जाति में बड़े बड़े संत हैं महाराष्ट्र में, तो इसकी आप पुष्प मालिका बना लीजिए। यहाँ पर एक हमारे यहाँ एक दर्जी जो कि नामदेव के नाम से मशहूर है, कभी राम नामदेव कहते हैं, संत नामदेव, वो गए मिलने किसे तो कुम्हार एक साहब जो गोरा कुम्हार थे। हम लोग ऊंची जाति और नीची जाति ये सारा कुछ अपने दिमागी जमा खर्च चलाते रहते हैं। वो जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने मराठी में काव्य किया हुआ है, नामदेव बहुत बड़े कवि थे। निर्गुणाचा भेटी आलो सगुणाचा, निर्गुण को मिलने आया तो सगुण मेरे सामने खड़ा हो गया। कितनी बड़ी बात है, इसको समझने के लिए भी आपको साक्षात्कार चाहिए कि वो तो चैतन्य देखने आए थे तो सगुण हो गया चैतन्य। ये बातें हम लोग नहीं कर सकते। वो एक कुम्हार था मिट्टी से खेलने वाला, और ये एक दर्जी था। अब हमारे यहाँ के जो बड़े बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं कि साहब ये जो नामदेव जिनको गुरु नानक ने पाचारण किया था, जिनका इतना आदर किया था, जिन्होंने हिंदी और पंजाबी में इतने सुंदर काव्य लिखे, और जो इनके ग्रंथ साहब में नामदेव जी का नाम है, वो दूसरे थे और ये दर्जी दूसरा था। ये अकल निकाली। और दूसरी अकल की बात ऐसी निकाली है कि आदि शंकराचार्य जिन्होंने विवेक चूड़ामणि आदि ग्रंथवंथ लिखे थे, उन्होंने सौंदर्य लहरी नाम की चीज लिखी ही नहीं, क्योंकि सौंदर्य लहरी इनकी खोपड़ी में जाती नहीं है, इसलिए सौंदर्य लहरी नाम की चीज जिसमें माँ की स्तुति कर दी, क्या ये बेवकूफी की बात है इनके हिसाब से। ऐसे विद्वानों के चक्कर में रह रह करके और ऐसे लोगों के लेक्चर सुन सुन के हम लोग भी पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। जब कबीरदास जी को मैं पढ़ती थी मैं कहती हूँ ऐसी कैसी बात, कबीरदास जी कहते कि पंडित कैसे मूर्ख हो गए। अब ऐसे बहुत मुझे मिलते हैं, और जब ऐसे मिलते हैं तो मैं चुप्पी लगा जाती हूँ और कबीरदास जी से कहती हूँ कि अच्छे दर्शन दिए आपने इन लोगों के। कबीरदास जी के साथ कितने अन्याय हुए। कबीरदास जी ने कुंडलिनी को सुरती कहा, साफ साफ बात लिख दी कि ये सुरती है। उस पर हमारा आक्रमण इतना बुरा और भद्दा है कि बिहार में और हमारे उल्टे प्रदेश में जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ पर लोग तंबाकू को सुरती कहते हैं, और पता नहीं कौन से उल्टे देशों में कहते हैं, पर बहरहाल इन दोनों को मैं जानती हूँ। कहाँ तो कुंडलिनी और कहाँ ये राक्षसी तंबाकू, कैसा इसका मेल बिठाया। और कबीरदास जी को भी सारे बड़े बड़े जो विद्वान हमारे हिंदी के साहित्यिक हैं उन्होंने कहा कि साहब इनकी भाषा तो सधुक्कड़ी है और इसमें कोई सौष्ठवी नहीं है, क्या कहा जाए। मैं तो कहती हूँ कि जब आप जनसाधारण से बातचीत करिए तो रोज़मर्रा की ही भाषा में बोलना चाहिए, नहीं तो लोग समझेंगे कैसे। अगर हम तो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और आप जानते हैं महाराष्ट्र की भाषा बहुत ही, जब हिंदी बोलते हैं तो अत्यंत क्लिष्ट भाषा होती है, उस क्लिष्ट भाषा को कोई समझ नहीं पाता है। मुझे तो सोच सोच करके ये देखना पड़ता है कि रोज़मर्रा की भाषा में किस तरह से बोलूं। और उन्होंने रोज़मर्रा की भाषा में इतना सुंदर और इतना गहन विषय लिखा है, और सभी संतों ने ऐसे किया। एक सज्जन कसाई थे वो कसाई, उनका किस्सा है कि एक बार एक बड़े भारी साधु बाबा पहुँचे और उनके किसी पेड़ के नीचे बैठे थे, तो उनके एक चिड़िया ने कुछ गंदगी कर दी तो उसकी ओर देखा तो चिड़िया टप से मर गई और नीचे गिरी। आगे गए देखते हैं एक औरत के वहाँ जाके दरवाज़ा खटखटाया, उसने कहा अभी ठहरी मैं आती हूँ। उसने फिर कहा कि चलो भिक्षा दो, तो चावल लेके आई, कहती बिगड़ने कौन सी बात है,
जिस चिड़िया को ऊपर से नीचे टपकाया है वैसी मैं नहीं हूँ, आप कोशिश कर लीजिए। तो उन्होंने कहा तुमने कैसे जाना? कहले जाना कुछ ना कुछ बात तो है जानने की। कहने लगे कि देखिए आप यहाँ से आगे जाइए, एक गाँव है, वहाँ जाकर पूछे कोई सज्जन है क्या, उस सज्जन ने मुझे सिखाया है। तो ये उस गाँव में गए, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई सज्जन नाम का आदमी रहता? कहले भाई कोई नहीं, एक कसाई रहता है। कहले उसको भगवान भगवान का कुछ है? बाप रे बहुत है। जब वहाँ पहुँचे तो उनका कि आपके बारे में मैंने सुना है। कहले मालूम है, तुमने चिड़िया को मारा था और उस गांव में गए थे, वहाँ उस लड़की ने तुमसे बताया, ठीक है अब तुम यहाँ पहुँच गए हो। हैरान हो गए, इन्होंने मेरे बारे में इतना कैसे जान लिया? वो एक कसाई था, कसाई। लेकिन हम ऐसे कसाइयों पे विश्वास नहीं करने वाले जो कि संत शिरोमणि है। हमारे लिए तो संत ये है कि जो जेल से छूट के आया हो, पहली बात, कुछ ना कुछ फ्रॉड किया हो, पहला कम से कम फ्रॉड करने लायक हो, उसके बाद वो टीला वीला लगा करके गेरुआ वस्त्र वस्त्र पहन के चौक में बैठ सकता है और लंबे लंबे भाषण दे सकता है। हो सकता है किसी पॉलिटिकल लीडर रहा हो, अब उधर चली नहीं तो उसने ये धंधा शुरू कर दिया। ऐसे ही धंधे हम लोग शुरू करते हैं और लोग ऐसे लोग वाह 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 वा। ऐसे चक्करों में घूम घूम करके आप लोग कहाँ पहुँचेगा? सर्वनाश का समय आ गया, बड़ा चक्र चल रहा है, आपको नहीं पता कि काल चक्र कितनी जोर से हमारे ऊपर दौड़ा रहा है, सारे संसार में ये फैलने वाला है और इसको रोकने का पूरा उत्तरदायित्व, इसकी पूरी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों पर है जो हिंदुस्तानी बनते हैं और विशेषकर वंग देश में रहते हैं, जो कि माँ के पुजारी हैं और आजकल सिर्फ महिषासुर की पूजा करते हैं। आज आपसे मैंने जो बात कही वो उस तरीके से कहना थी कि प्रेम की ओजस्विता है एक माँ की पहचान, इसमें होती है कि वो सही बात अपने बच्चों से निर्भीक कहती है। शिवाजी महाराज की माँ के बारे में आपने सुना होगा, जिजाई, जिसने कि अपने बच्चे को हमेशा तलवार की धार पर खिलाया है। ईसा मसीह की माँ साक्षात महालक्ष्मी थी, लेकिन अपने बच्चे को सूली पर चढ़ता हुआ उस औरत ने देखा हुआ है। हमारे इस देश में ऐसी अनेक स्त्रियां हो गई जिनके एक एक के नाम लीजिए तो रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन आज हम ये देखते हैं कि अंधकार में बढ़ते बढ़ते पाश्चिमात्यों का हाथ पकड़ लिया, अब तो पूरी तरह से बेड़ा गर्क। कृपया कम से कम ये न करके थोड़ी नज़र अपनी ओर करें और इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। कल आपको ये और बताएंगे सारे चक्रों के बारे में, सब रटवट लीजिएगा इसमें कितने चक्र हैं, कौन से डीटीज कहाँ बैठे हैं, क्या है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, यह जानने से कोई फायदा नहीं होगा, पहले आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। आज आशा है आप लोग सब आत्म साक्षात्कारी बनेंगे। लेकिन आज ये क्रांति के दिन है, जबकि घर में बैठ के और घंटा बजा के पूजा करने वाले नहीं, आज सामूहिक तरीके से सहयोग करना होगा। सामूहिकता में ही आप सहयोग में बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए जान लीजिए कि जो लोग, बहुत लोग कहने लगे कि हम तो माँ आपसे दीक्षित हो गए, और फिर यहाँ दीक्षित कहते, दीक्षित हो गए और आगे क्या, हम घर में बैठ कर आपकी पूजा करने, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको सामूहिकता में उतरना चाहिए। अब ज़रूरी है कि हम लोग कुछ पैसा वैसा लेते नहीं, क्योंकि पैसे से तो भगवान मिलता नहीं है, और ऐसी कोई बड़ी भारी आलीशान हमारे पास जगह नहीं, जैसा कि एक हॉल है वहाँ एयर कंडीशन है, आप आइए तशरीफ़ रखिए और पार हो जाइए, ये सब व्यवस्थाएँ नहीं। लेकिन अपने अहंकार को छोड़ के और अपनी मोटरों को छोड़ करके नंगे पाँव आपको आना होगा और पाना होगा। जैसे ज्वालामुखी में अकबर खुद देवी ज्वालामुखी पर सोने का छत्र चढ़ाने गए, बहुत बड़ा छत्र, नंगे पाँव गए, उन्होंने सोचा कि सब मेरा ईगो खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया और छत्र चढ़ाया। लेकिन उस वक्त देखा कि और सब लोग ज़रा गरीब हैं, तो कहने लगे तुम्हारे तो बस का नहीं है कि ऐसा छत्र चढ़ाए, इसलिए मैं दिल्ली से देवी पर छत्र चढ़ाने आया। उसी वक्त ज्वालामुखी ने अपने दर्शन दे करके उस
छत्र को भस्मसात कर दिया। आज भी वो छत्र लोहे के रूप में पड़ा हुआ। ऐसे ही है, नम्रता पूर्वक पाने की इच्छा से आप आइए। कोई भी उसमें आडंबर नहीं होना चाहिए, सादगी से आए और इसे प्राप्त करें, क्योंकि ये आपका धन है, ये आपकी चीज़ है, आपकी संपत्ति है, आपका सब कुछ है, सिर्फ हम आपको देने हैं। पर जैसे कि माँ का होता है कि साम दाम दंड बेदनी थी, जो बन पड़े उससे भाई लो, ये काम माँ ही कर सकती। अभी कृष्ण होते तो सुदर्शन चक्र निकाल करके 25 की गर्दने उड़ा देते, और ईसा मसीह होते तो अपने को क्रॉस पे लटका लेते, मोहम्मद साहब होते तो तलवार निकाल लेते, उससे क्या काम होने वाला है। सबूरी की बात है, हमारे पास सबूरी बहुत है, पर आप में आतुरता होनी चाहिए और परमात्मा की कृपा से अगर ये काम बन जाए, यहाँ अगर 20 भी अच्छे सहयोगी बन जाए तो आपका बंगाल देश सोनार बंगाल हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। और अनेक देशों से लोग आके आपके चरण छुए, पर आजकल की जो 400 BC है और आजकल की जो उथली प्रवृत्तियाँ, उससे पास आइए, उससे बात आइए, गहनता में उतरिए। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे और उस सुबुद्धि में आप परमात्मा को प्राप्त करें। कल फिर एक बार लेक्चर होगा, जबकि हो सकता है आप सब ठीक तरह से पूरी तरह से आत्म साक्षात्कारी बन जाएं।